ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਣਗੇ ਨਾ ਬਿੱਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਗੇ ਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਥੱਲੇ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪਾਪਾ ਸੋਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਾਤ ਕੇ 2 ਵਜ ਗਏ ਹੈ नींद नहीं आती ना नींद नहीं आती है रातों में अरे ये तो प्रेम शे। बात पता क्या है, सुबह है शूटिंग लाफ्टर शेफ्स की और जब भी शूटिंग होती है ना लाफ्टर शेफ की रात को मुझे नींद नहीं आती और मुझे समझ नहीं आती कि ये मुझे फिक्र हरपाल जी का होता है नुक्स निकालेंगे या निया की याद आती है यहाँ प्यार व्यार मेरे को समझ नहीं आती मैं कंफ्यूज हो गया नहीं हरपाल जी की टेंशन होती है तू तो सड़ता है ना यार एक चीज मैं मिस करता हूँ यहाँ मुंबई में कि वहाँ अपने घर पे ऐसे करके देखते हैं तो खेत नजर आते हैं हरियालियाँ नजर आती मतलब है। इस घर पे आपको मम्मा मिस नहीं कर रहे हाँ। खेत मिस कर रहे हो वाह पापा नहीं, नहीं, नहीं। यार मतलब यानी कि यहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ दिखती हैं ट्रैफिक दिखती है वहाँ पे मतलब साड़ियाँ दिखती हैं बिल्लो दिखती बिल्लो सही बात है पापा आई लव यू बिल्लो आई लव यू बिल्लो मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ मैं तुम्हें क्या बताऊँ मतलब सुबह सवेरे बस यही चाय कॉफी की बोला मतलब सुबह सवेरे यही है बिल्लो बिल्लो बस और कोई याद आता ही नहीं मुझे अच्छा आपको जैसे बीवी के अलावा कोई याद नहीं आता पर मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसी याद बताओ जो आप कभी भुला ही नहीं सकते यादें तो बहुत है इधर आके बैठ के बताओ बैठ के क्या बताऊं नहीं इधर सोफे पे स्वाद लेता ये बस स्वाद पूरा एंजॉयमेंट दोस्तों मुझे एक बात याद आ गई मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैं 20-25 साल का था मेरा एक दोस्त था मेरे साथ तो हम फिल्म देखने गए और फिल्म थी थोड़ी गंदी फिल्म थी प्रिंटर खराब था पता तुम्हें सारा ही है मैं क्या कह रहा हूं फिल्म वो ऐसी फिल्म थी थोड़ी तो वो ना मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा हुआ था तो फिल्म जब खत्म हुई तो पीछे देखा उसका डैडी बैठा हुआ था इतना शर्मिंदा हुआ ना मैं आपको बता नहीं सकता मतलब ऐसे कभी कभी हादसे हो जाते हैं पापा आपके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं 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 मेरे साथ अच्छा आप कभी गए नहीं ऐसी मूवी देखने नहीं नहीं मेरे डैडी नहीं पीछे बैठे गए हम उनको बंद करके जाते थे अच्छा और कोई बात बताओ पापा और कोई तू बकवास ना कर मैं सुबह शूटिंग पे भी जाऊंगा मेरा बैग तैयारी कर लो मैं सुबह ये ना आजकल मैं पूरी तैयारी के साथ जाता हूँ चलो अभी यहीं पे बंद करते हैं हम मिलेंगे सुबह The next day गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब तो हम जा रहे हैं जी शूटिंग पे थोड़ी ट्रैफिक भी है रास्ते में और बारिश भी हो रही है और आपको मिलते हैं सेट पे तो दोस्तों आते ही एक एपिसोड हमारा हो चुका है और दूसरे की तैयारी है आज बहुत ही मजा आया धर्म जी आए हुए हैं और शूट करने का इतना मतलब उन्होंने इतना एंजॉय किया और इतनी एनर्जी है उनमें और कॉमेडी भी करते हैं कमाल मतलब उन्होंने हमें इतना हंसाया ना भाजी ने कमाल ये एपिसोड देखने वाला है मजा आने वाला है आप देखिएगा जरूर हेलो इसने तुम्हें पता कितना मिस किया अरे खुद ही बर्तन मांगने पड़े सारे खुद ही आपस में बातें करी जा रही है तुम छोड़ के ना जाया करो नहीं मैं कभी ना तो अच्छा है फैजू था इसलिए एपिसोड अच्छा हो गया मैं बताऊंगा अच्छा मतलब मैं किसी काम की नहीं 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 तुम्हारे साथ कोई और होता तो खराब हो जाता ना इसका पानी चेंज हो रहा है यार वो भी उसने पूरा साथ दिया उससे एक हफ्ते पहले आया था और हमें स्टार जितवा के गया हमें भरोसा था कि वो अच्छा था अरे तुम किसी के साथ भी होगी जीत एक बार मेरे साथ आओ जोड़ी बनाओ पक्का हारोगी निया हारोगी बोला हारोगी मेरे साथ होगी जीजू आज कृष्णा ने कमाल कर दिया धर्म जी के सामने मतलब इतना उनको खुश किया ना ये वाकई सच्चा आर्टिस्ट है जो सच्चा आर्टिस्ट होता है वो तरक्की करता है हमेशा और मुझे पूरी उम्मीद है मैं बहुत तरक्की करूंगा अगर कृष्णा मेरे साथ होगा के साथ तरक्की कर रहे हैं सर आप बलराम है हाँ सीता और गीता है धर्मवीर है वैसे कृष्णा सुदेश है अरे वाह वाह पूरी दुनिया सच्चाई है बिल्कुल ये कोई पंच नहीं आप इसी तरह हमें प्यार देते रहिए हम आगे बढ़ते रहे और हमारा शो आपने सुपर हिट कर दिया लाफ्टर शेफ अरे मैंने थोड़ी किया भैया किसको बोल रहे हो नहीं मैं अपनी बात कर रहा हरपाल पाजी हरपाल पाजी को मैं सॉरी कहता हूँ आज हमने बहुत सताया पाजी को बिल्कुल नहीं अच्छा किया मजा आ गया लेकिन पाजी हमको कभी सताते नहीं है प्यार करते हैं पाजी इसी तरह हमें प्यार बदला ना लेना पाजी बिल्कुल नहीं लूंगा क्योंकि पहले इनका था एपिसोड अब हमारा है बदला
बिल्कुल नहीं। और ये है सबसे ज्यादा तंग करने वाले, शुरू करो जरा सा भी चैन नहीं देना। बैकअप मैं ही जल्दी कराती हूं ना। हाय विक्की भैया जी, ये है विक्की भैया। मैं तारीफ करूं तो क्या करूं अपनी, यही मेरी करेंगे, प्लीज आप करो। और ये है जो हमको पैसे देंगे इतनी मेहनत के, ऑफिस से आ गए हैं। भाजी कर दो हमें पैसे, डन पाजी डन पाजी। पीछे को पीछे वाले को हैं, पहले पहले पैसे हुए हैं। मैं जी आपने सब ले लिया, बंगला बन गया। मैं जब भी मांगता हूँ कि पीछे वाले हैं दे देते हैं, ये बड़ा प्यार। थैंक यू भाई। हम बड़े खुश नसीब हैं कि आज पाजी हमारे सेट पे आए और हमें इतना प्यार मिला। मुझे भी उतनी खुशी है। थैंक यू भाई। यही हमारे डायरेक्टर हैं और हमसे करवाते हैं हमारे शो के चश्मो चिरा के पाजी, जो रौनक लगाते हैं ना ये लोग, सुदेश पाजी, कृष्णा भारती, रौनक ऐसी लगाते हैं। मजा पाजी की फिल्में देख देख के हमने कॉमेडी सीखी, सब कुछ अच्छी पाजी, 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 पाजी बात है। हम लोग बहुत सीखे हैं। लव यू पाजी। थैंक यू। तो अभी डांस रिहर्सल हो रही है क्योंकि हम डांसर लोग जो हैं, हमारी मेहनत रोज होती है और हम गॉड गिफ्टेड हैं। इन सब ने भी ठीक किया है, चलो मैं अच्छा करता ही हूँ, हो सकता है इन सब का भी आपको अच्छा लगे। बाकी कृष्णा ने भी ठीक किया है, बस निया जो है आजकल मुझसे दूर रहती है, पता नहीं क्यों, जबकि मैं उसको इतना प्यार करता हूँ, पर प्यार की कदर नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, ऐ नहीं बंदा सुधरता कभी, ऐ नहीं सुधरता। जो अमृतसर तो डंडे लेके लोग आएंगे ना बिल्लो दे नाल, जो मारन गए ए कुड़ी दे कान थले दो ताडे भी मेरे पता लगूगा। जदों मेरे जदों मैं कॉलेज हुंदा सी ना, जदों मैं कॉलेज उदों दे मैं देख रहा पाजी नूं ओदे दे, पर ये जवानी हुई जांदी, जवानी हुई प्रोग्राम। ये डांस देखने के बाद देखना, आप डांस प्रैक्टिस चल रही थी कि क्या प्रैक्टिस चल रही है, आप कैसे ठीक। आज मेरे व्लॉग में मेरी तारीफ करेंगे हमारे डायरेक्टर, जो कि लाफ्टर शेफ के डायरेक्टर हैं, वंकुश अरोड़ा जी। मेरी तारीफ, वो डायरेक्टर हैं तो मेरी तारीफ करेंगे, आपकी क्यों करेंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा इनको मेरे साथ काम करके, बहुत मेहनत करते हम और हमारी टीम। बाकी आर्टिस्ट भी कोशिश तो कर ही रहे तो मैं मतलब मोबाइल पकड़ने के लिए बैठा हूँ इधर। नहीं पाजी यार, हमारे बहुत प्यारे पाजी से, दोबारा गला मैं कट कर लूंगा उसका सारा उड़ावेंगे। नहीं नहीं पाजी जो है हमारे कमाल करते हैं। पाजी साथ में ये बोलो ना, सुदेश ले रही हो और पाजी ना समझ ले, तो आपको जो बोलना है बोल दो, उसमें मेरा मुंह लगा। चलो ठीक है क्या आप मुंह हिलाते रहो। सुदेश जी सब कुछ है, सुदेश जी के सिवा कुछ नहीं। अगर सुदेश जी ना होते तो ये शो शायद अच्छा ना बनता। मैं धन्यवाद करता हूँ सुदेश जी का। अरे थैंक यू पाजी, आई लव यू।